दीप्तिस कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं क्रिस्पी कॉर्न की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो दो तरह से हम बनाना बताएंगे। हमने फ्रोजन कॉर्न लिए हैं जो फ्रिज में रख देते हैं, या मार्केट में ताजे अमेरिकन कॉर्न भी मिलते हैं, हम वो भी ले सकते हैं। लेकिन हमें देसी जो भुट्टे आते हैं वो नहीं चाहिए, और जिनके दाने बड़े हों वही भुट्टों के दाने चाहिए। एक बाउल फ्रोजन मक्के लिए हैं, आधी कटोरी शिमला मिर्च कटी हुई, आधी कटोरी प्याज, आधी कटोरी टमाटर, थोड़ा ग्रीन प्याज, दो हरी मिर्च कटी हुई ली, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च का पाउडर, नमक और कॉर्नफ्लोर लिया है। मक्के के दानों को हम पहले उबालेंगे। एक भगोनी में पानी डालकर गैस पर गर्म करने रख देंगे, और जब पानी उबलने लगे तो मक्के के दानों को डाल देंगे और 5 मिनट तक उबलने देंगे, जिससे कि ये दाने पक जाएं। और इस समय हमें फ्लेम मीडियम ही रखना है। हमारे दाने पक गए हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे। एक चल्ली लेंगे और उसमें इन दानों को निकाल लेंगे, और जो बचा हुआ पानी है इसको हम सूप बनाने में यूज करेंगे। अभी ये दाने हमारे गर्म हैं और इन्हें हम एक बाउल में निकाल लेंगे। जब ये ठंडे हो जाएं तो इसमें हम थोड़ा सा नमक, 1.5 से 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और मिक्स करेंगे। ऊपर से इन दानों के ऊपर एक कॉर्नफ्लोर मैदा की कोटिंग आ जाना चाहिए। हमने दानों के ऊपर मैदा और कॉर्नफ्लोर दोनों का यूज़ किया है, आप ओनली कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। गैस ऑन करके एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। हमने सरसों का ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। अब फ्लेम को मीडियम करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को हम लो कर देंगे। अब इन दानों को ऑयल में डालेंगे। दानों को हमें मीडियम और लो पर ही तलना है, और आपको ऐसा लगे कि दाने फूट रहे हैं, फूट सकते हैं, तो कढ़ाई के ऊपर थाली रख दें, और थोड़ी देर बाद लो पर तलने के बाद फ्लेम थोड़ा हाई कर दें, जिससे कि दाने हमारे क्रिस्पी हो जाएं। दाने हमारे क्रिस्पी हो गए हैं और इन्हें हम निकाल लेंगे। गैस ऑन करके एक दूसरी कढ़ाई में हम 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, शिमला मिर्च, टमाटर, टमाटर की जगह आप लाल शिमला मिर्च भी ले सकते हैं, और इन सबको हमें हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। हल्का सा नमक डालेंगे, हरी मिर्च, 1 चम्मच इमली का पल्प डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, और 1 टेबल स्पून के करीब पानी डालेंगे और फिर मिक्स करेंगे। अब तले हुए मक्के के दाने डालेंगे और ग्रीन प्याज डालकर मिक्स करेंगे और फिर सर्व करेंगे। आपको कितना खट्टा व कितना तीखा चाहिए, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च व इमली का पल्प डालें। आप इसे चाइनीज स्टाइल में भी बना सकते हैं। इमली की जगह आप रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस व सोया सॉस मिक्स करें। अभी हमने जो चाइनीज स्टाइल में क्रिस्पी कॉर्न बनाए हैं, इन्हें आप सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। अब तले हुए कॉर्न को एक बाउल में लेंगे और उसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा नमक, नींबू का रस, आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, और अच्छे से मिक्स कर सर्व करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। जल्दी ही मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।